नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ से, जहां पर बताया गया कि हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। इसके साथ ही राकेश टिकैत के समर्थन के लिए ये किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हापुड़ में किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर राकेश टिकैत के समर्थन में खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच किया है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धनवीर शास्त्री के तत्वाधान में सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। वहीं सैकड़ों किसानों ने किसान बिल पास होने का विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में प्रदर्शन किया। जानकारी ये भी मिली है कि इन सैकड़ों किसानों की संख्या में ये लोग गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर व गाड़ियों से कूच कर रहे हैं। तो वहीं हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। देखें रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार अंतर्राज्य चोरों को गिरफ्तार किया। जनपद टीम बी धीरेन्द्र सिंह व सिकंदर गेट चौकी प्रभारी सरवन गौतम के नेतृत्व में उस वक्त टीम को कामयाबी मिली, जिस वक्त निजामपुर कट के पास चेकिंग करते हुए एक कैंटर से पुलिस को लूट का सामान बरामद हुआ। इस गैंग का सरगना विनोद खन्ना अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे खड़े ढाबे व खड़े ट्रैक्टरों के पास में अपने कैंटर लगाकर चोरी किया करते थे। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से काफी मात्रा में सामान बरामद किया है। इस संदर्भ में पुलिस क्षेत्र अधिकारी हापुड़ वैभव कुमार ने बताया कि यह लोग काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं। पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हापुड़ कोतवाली नगर की टीम द्वारा एसओजी बी टीम के साथ मिलकर निजामपुर कट के पास से चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन चोरों के द्वारा हाईवे पे जो वाहन खड़े रहते हैं, लोडेड वाहन खड़े रहते हैं, उनके बगल में अपना कैंटर लगा के वो सारा सामान वहाँ से उठा के कैंटर में डालकर चोरी कर लिया जाता था। इन सभी खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई करी जा रही है। तो वहीं हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर वन विभाग और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां पर बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मोर जो है वो बदहाल हालत में मिले और उसके बाद जब सूचित किया गया तो विभाग का कोई भी कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में यदि कोई विभाग कार्य करना सीखना चाहता है तो गढ़मुक्तेश्वर वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग से सीखे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी मोरों की सूचना मिलने के घंटों बाद तक भी गढ़मुक्तेश्वर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंच सके। यही नहीं, गढ़मुक्तेश्वर वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को किसी नियम और कानून से कोई मतलब नहीं है, जिसके चलते खुलेआम इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिरणपुरा से अक्कापुर मार्ग का है, जहां पर पांच अंतर्राष्ट्रीय पक्षी मोर मिले हैं। बता दें कि ये बेसुध हालत में थे और चलने पर भी असमर्थ बताए गए हैं, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने गढ़ मुक्तेश्वर वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को दी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी मोरों को ग्रामीणों ने कुत्ते के निवाले बनने से भी बचाया। यही नहीं, गढ़ मुक्तेश्वर स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को सूचना मिलने के उपरांत भी घंटों तक उनका कोई अता पता नहीं था। राष्ट्रीय पक्षी मोर की हालत जाने तो काफी। आपका? मेरा नाम आशीष है, गांव हिरणपुरा है। अच्छा, क्या मामला है? हम यहाँ रेडिंग कर रहे थे, उधर हमने देखा कि कुत्ते भोग रहे हैं वहाँ पर। हम जो वहाँ पहुँचे देखा तो मोरनी थी, उनके पैर खराब हो रहे थे। एक मोरनी कुत्ता लेकर भाग गया है और हम पकड़ के यहाँ पे ले आए हैं। कितने लाए पकड़ गए? पांच लेकर आए हैं पकड़ के। और कितने भाग गए? और पांच छह और हैं अभी उसमें सरसों में ही। अच्छा, कुत्ते कितने को ले गए? कुत्ता तीन चार कुत्ते लेकर चले गए। कारण क्या? तो वहीं अलीगढ़ से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों ने प्रॉपर्टी डीलर को घर से बाहर बुलाया था और दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी डीलर किसी जमीन को देखने गया, लेकिन जब वो लौटते वक्त घर आ रहा था तो इसी बीच उसे रास्ते में किसी ने गोली मार दी। देखिए रिपोर्ट। इसके बुलाने पर जमीन देखने गए प्रॉपर्टी डीलर को देर रात अज्ञात बदमाशों ने रेलवे पुल के नीचे चलती कार पर गोली मार दी। यही नहीं, हमलावर बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि मामला उत्तर
प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोंदा क्षेत्र के गांव केशोपुर जोफरी के निकट देर रात ये हमला हुआ है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रॉपर्टी डीलर को दोस्तों के बुलाने पर जमीन देखने गए केशवपुर से घर लौट रहे थे और उसी दौरान उनको गोली मार दी गई। बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और बताया ये भी गया है कि चलती कार में अज्ञात लोगों ने गोली मारी, जिससे गोली गाड़ी के शीशे से पार होकर प्रॉपर्टी डीलर के कंधे पे लगी। गोली लगने से कार का शीशा टूट चुका था। गोली लगने के बाद खून से लथपथ युवक कार की खिड़की से बाहर जमीन पर गिर गया। घायल को जिला मखनलाल सिंह अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है। टिंकू ठाकुर, क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी गोलू की कॉल आई मेरे पास जी। पता नाम है इसका कि भाई भैया मेरे से गोली मार दिया किसी ने मेरे काम पे, के जोफी वाले रेलवे पुल के नीचे में। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ अभी तुरंत। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से पहुँचा हूँ, तुरंत मैंने देखा है गोली लगी हुई इसके, पड़ा हुआ था नीचे। उसके बाद मैंने 112 नंबर कॉल की, 112 नंबर कॉल करने के बाद तुरंत ही मैं जिला अस्पताल लेके आ गया। फिर क्या काम करते हैं? काम इसका वही है, अपना साइड वाइज बना रखे हैं, डीलरी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग जो करते हैं, ज़मीन खरीद को बेचना, बस यही है। कहाँ से आ रहे थे? जो भी से है साइड से, अपनी साइड पे से निकले ही थे। बताया कि जिला पंचायत के चुनाव का भी वो कर रहे थे? हाँ, वो तो जिला पंचायत का सोच रखी थी पहले, थोड़ा एक जगह दो जगह घूमे थे, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं था क्योंकि आरक्षण नहीं आया, आरक्षण से पहले क्लियर नहीं हुआ था। जिसने मारी है उसका कुछ पता चला? कोई पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाया ना, वो तो गैर रूसी ब्लड कैंसर पीड़ित है ये जी, तो उसकी वजह से कुछ नहीं बता पाया, गैर रूसी हालत में हो गया था तभी से। आगे आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, देखें रिपोर्ट। जिलाधिकारी मार्कडे शाही के आदेश पर अबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 मकानपुरा व अबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 तरबगंज की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली मकानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पेरीपोखर व अम्बा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पेरीपोखर गांव के दक्षिण में रेलवे लाइन के दोनों ओर भारी मात्रा में लहन जमीन के नीचे छुपा कर रखी गई पाई गई। इसके साथ ही लगभग 800 किलोग्राम बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही बता दें कि 15 लीटर अवैध शराब भी कच्ची बरामद हुई है। अबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही अम्बा गांव के पूर्व जंगल में भी जमीन के नीचे भारी मात्रा में लहन छुपा कर रखी गई मिली है। लगभग 1400 किलोग्राम में बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही लगभग 35 किलो अवैध कच्ची शराब बरामद हुई, यह भी मौके पर ही नष्ट की गई। यही नहीं, अब बता दें कि यहां पर भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो वही मुरादाबाद से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान देखा गया कि काफी सुरक्षा बल मौजूद था, देखें रिपोर्ट। सपा सरकार के दिग्गज रहे मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 मामलों में सीतापुर की जेल में भारी सुरक्षा बल के साथ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। 2008 में थाना छलजैठ में रोड जाम करना और दूसरा प्रकरण रामपुर से पूर्व सांसद जयापर्दा पर अभद्र टिप्पणी मामले में पेशी हुई है। आजम खान पक्ष के वकील ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों मामले में आरोप फ्रेम हुआ है। साथ ही छजलैट मामले में 4 फरवरी और जयपर्दा पर अभद्र टिप्पणी मामले में 8 फरवरी की तारीख लगी है। इस मामले को कोर्ट में फिजिकली पेश होने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही वीसी के माध्यम से सही सुनवाई हो जाएगी। रोलिंग करें, थोड़ी नीचे करो, तीसरे बटन पे। हाँ, शुरू करें उबैद। ओके रोल। वकील साहब, आज किस किस मामले में पेशी थी और अब अगली डेट क्या लगी है? आज 2 मैटर्स तो छेलेट से संबंधित है जी, उसमें पेशी थी। उन दोनों केसेस में एक तो बेसिक केस है जो 2008 का है, एक जो एब्सकॉन्डिंग की हैसियत से इन पे केस लगाया गया था वो 174 AIPC का है, वो था। तो उन दोनों केसेस में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, एक केस में अब्दुल्ला आजम साहब पे और आजम खान साहब पे, और एक केस में खाली आजम खान साहब। अगली डेट क्या लगी है?
अगली डेट एक केस में तो लगी है 4 तारीख जी और एक केस में लगी है 8 तारीख। अच्छा वकील साहब, टोटल कितने केस हैं आदम खान साहब पर? यहाँ पर 3 केसेस हैं और पूरे ऑल अगर बात करें रामपुर और सब मिलाकर ओवरऑल, देखिए उसकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है मगर राउंड अबाउट कोई 100 प्लस है। तो कितने अभी कितनों में जमानत हो चुकी है? मैक्सिमम में हो चुकी है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अभी फाइल वो भी पेंडिंग है? जयपर्दा वाला मामला भी था क्या? जी जयपर्दा वाला मामला भी था। उसमें कौन सी डेट पड़ी है? उसमें भी 8 तारीख पड़ी है, वो इन्वेस्टिगेशन में है अभी, अभी उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? शाहनवाज नकवी साहब जी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के दत्ता नगर में बताया जा रहा है कि बेटे ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतारा। इसके साथ ही नई कहानी रची कि घर में बदमाश घुसाए थे और उसके बाद बदमाशों ने पिता को मौत के घाट उतारा। देखिए रिपोर्ट। राम दत्तनगर विसेन में ईश्वरदीन पुत्र स्वर्गीय रामदास के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा किया। इसके साथ ही सूत्र बताते हैं कि मृतक और उसके पुत्र सुकई के बीच पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था। शक के आधार पर सुकई से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 2 फरवरी 2021 को मृतक ईश्वरदीन बैंक से कुछ पैसे लेकर आए थे, जिसमें से कुछ पैसे उनके बेटे सुकई द्वारा मांगे गए, परंतु मृतक द्वारा रुपए न देने पर उससे इनकार करने पर उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इस बात पर क्रोधित होकर सुकई ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, अपने चाचा को फोन करके सूचना दी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके पिता की हत्या की। बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वरदीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है, अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है तथा उनके कमरे से कैश बदमाश लेके भाग गए हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी और पूरी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक को उनके ही पुत्र जिनका नाम सुकई है, उसी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को छुपा दिया था और जिस रुपए के लूटे जाने की सूचना दी गई थी वो कैश भी जो आरोपी है उसके कमरे से बरामद हो गया। पूछताछ में जब ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो मृतक से पैसे की डिमांड करता था और 1 लाख रुपए की डिमांड उसने हाल में ही रखी थी, जिसमें वो टेम्पो एक खरीदना चाहता था उसके। तो वहीं उत्तर प्रदेश की नारायणी नदी के किनारे बेहोश फिशिंग कैट मिली। देखिए रिपोर्ट। नारायणी नदी के किनारे बेहोशी की हालत में फिशिंग कैट मिली है। जानकारी में पता चला है कि खेतों में काम कर रहे लोगों ने नदी के किनारे तेंदुए को झपटता देख पुलिस को सूचना दी। इस मौके पर वहां पहुंचने पर वन विभाग के कर्मचारी व पुलिसकर्मी बेहोश फिशिंग कैट को इलाज के लिए अस्पताल भेजते हुए दिखाई दिए। आगे आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के धामपुर में सोहेल ने कैसे मीडिया के साथ ही समाज सेवा करते हुए अपना नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। धामपुर के युवा समाज सेवी एंड प्रिंट मीडिया धामपुर के सीईओ सुहेल डिजाइनर को नाट्य दीप फाउंडेशन की ओर से रविवार को कालागढ़ रोड स्थित शुभम मंडप में आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव एवं सांस्कृतिक सेमिनार में ग्राफिक्स गैलेक्सी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें क्षेत्र में किए गए सामाजिक कार्यों और अपनी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के दम पर देश में धामपुर का नाम रोशन करने पर दिया गया है। सुहेल डिजाइनर क्षेत्र के युवाओं के लिए यूथ आइकन बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी शानदार डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की बदौलत जिला बिजनौर व आसपास के तमाम जिलों में रहने वाले नेता, डॉक्टर, कलाकार व अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक नई और अलग पहचान दिलाने का काम किया है। कुशल व्यवहार व मधुर भाषा के धनी सोहेल डिजाइनर किसी हरफन मौला से कम नहीं है। वे डिजाइनिंग एवं समाज सेवा के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने हाँ मैं चोर हूँ और वादिये कश्मीर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कम समय में ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जाता है, इसकी जीती जागती मिसाल वो खुद है।
सुहेल डिजाइनर को ग्राफिक्स गैलेक्सी अवार्ड 2020 मिलने पर धामपुर क्षेत्र के सलमान फरीदी, सुमित शर्मा, आरिफ अंसारी, जाहिद खान, सनी सिंह, जाटव आदि ने खुशी व्यक्त की है। सुहेल डिजाइनर ने नाट्य दीप फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी का ग्राफिक्स गैलेक्सी अवार्ड 2020 से नवाजने के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिस सच दिखाने की। धन्यवाद।